अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले चाट। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम छोले लिए, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। यहाँ 3 से 4 आलू हैं, जिसे मैंने बॉईल करके बारीक कट कर लिया है। ये रेड इमली वाली चटनी है, ये ग्रीन चटनी है। ये एक मीडियम साइज की प्याज है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये एक टमाटर है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ 2 टीस्पून मैंने छोले मसाला लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम छोलों को थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लेंगे। ये देखिए मैंने चटनी बॉईल कर लिए हैं। इसे मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किया है। इसे बॉईल करने के लिए मैंने 2 विसिल लगाई है और 2 मिनट स्लो फ्लेम पे बॉईल किया है। ये देखिए तैयार हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, इसमें जो अब आलू कट किए थे इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आलू फ्राई हो गए, इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन हो जाए तब तक ही फ्राई करना है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी ऑयल में ये छोले डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मसाले पीसेंगे। ये छोले मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। छोले चाट बहुत ही मजेदार बनती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। ये देखिए छोले तैयार हो गए हैं, अब इन्हें डिश में निकाल लेते हैं। ये छोले मैंने डिश में निकाल लिए हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, और आलू मिक्स कर देंगे। अब इसमें है रेड इमली की चटनी, और ग्रीन चटनी डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए तैयार हो गई है छोले चाट। इसे आप जरूर ट्राई करें,